हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ढंग से समझना, अच्छे से समझ में आए। टॉपिक है किरचॉफ लॉ, दैट इज किरचॉफ लॉ। क्लियर? किरचॉफ के दो लॉ दिए गए हैं, एक है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और एक है आपका किरचॉफ्स सेकंड लॉ। फाइनल हम दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को भी पढ़ेंगे और किरचॉफ सेकंड लॉ को भी पढ़ेंगे। बेटा किरचॉफ फर्स्ट लॉ हमें करंट के बारे में बताता है, इसलिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम करंट लॉ भी बोल सकते हैं। पहले इसी को देखते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को। तो देखिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, आप अज्यूम कर लीजिए कोई पॉइंट है, क्लियर, उस पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन से करंट आ रहा है और अलग अलग डायरेक्शन में करंट जा रहा है। फाइनल मान लीजिए जो करंट आ रहा है उसको मैंने कह दिया I1, I2, जो जा रहा है उसको कह दिया I3, I4, I5, अब सिचुएशन क्या कहती है कि किसी भी पॉइंट पे जितना टोटल करंट आएगा उतना ही टोटल करंट उस पॉइंट से जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे जो मीटिंग करंट होगा, मीटिंग करंट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू लीविंग करंट फ्रॉम द पॉइंट। क्लियर? तो किसी भी पॉइंट पे, चाहे कोई भी पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट पे जो मीटिंग करंट होगा वो किसके बराबर होगा, आपके लीविंग करंट के बराबर होगा। तो देखना, मीटिंग करंट यहां पे क्या है, I1 और I2 दोनों मीटिंग करंट हैं, तो मैं लिख दूं I1 प्लस I2, ये क्या आ गया आपका मीटिंग करंट, और ये किसके बराबर होगा, लीविंग करंट के बराबर होगा। लीविंग करंट कौन कौन से हैं, दैट इज I3 प्लस I4 प्लस I5। फाइनल अब देखना, अगर मैं इसको आगे फर्दर करना चाहूं तो मैं I3, I4, I5 को इस तरफ ले आऊंगा तो क्या आएगा, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो। फाइनल अब बेटा एक होता है एलजेब्रिक सम, जैसे कुछ प्लस के हैं कुछ माइनस के हैं, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो। एलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, हमने वहां पे साइन कन्वेंशन देने होते हैं कि चीजें कब पॉजिटिवली जाएंगी कब नेगेटिवली जाएंगी। तो अगर मान लीजिए मैं यहां पे साइन कन्वेंशन देने लगूं, दैट इज साइन कन्वेंशंस फॉर करंट, साइन कन्वेंशन फॉर करंट में क्या आएगा बेटा, दो साइन कन्वेंशन आएंगे। पहला पॉइंट कि जो मीटिंग करंट है, देखो अगर मैं इस एलजेब्रिक सम का साइन खोलता हूं आई फाइव तक, तो देखना जो मीटिंग करंट है आई वन और आई टू वो क्या है, पॉजिटिव, तो साइन कन्वेंशन में क्या आएगा, मीटिंग करंट टेकन टू बी पॉजिटिव, टेकन टू बी पॉजिटिव। बेटा जो मीटिंग करंट होंगे वो क्या लिए जाएंगे, पॉजिटिव लिए जाएंगे। और दूसरा साइन कन्वेंशन क्या आएगा, लीविंग करंट, जैसे I3, I4, I5 ये लीविंग करंट है, लीविंग करंट कैसे लिए जाएंगे, नेगेटिव, दैट इज लीविंग करंट टेकन टू बी नेगेटिव, जो आपके लीविंग करंट होंगे वो क्या लिए जाएंगे, नेगेटिव लिए जाएंगे। तो साइन स्टेटमेंट यहीं से आ जाएगी, आप पहला लॉ बता सकते हैं, मतलब किरचॉफ लॉ का फर्स्ट पॉइंट बता सकते हैं,
एलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। तो स्टेटमेंट क्या आएगी, पहली स्टेटमेंट आ जाएगी एलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ। फिर दूसरा पॉइंट समझना बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे इस पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन से करंट आ रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में करंट जा रहा है, क्या ये सर्किट कहीं कनेक्टेड है, कहीं भाई मान लीजिए पीछे बैटरी कनेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, आगे कई सारे सर्किट हो सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखना किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्लोज या ओपन दोनों सर्किट पे अप्लाई हो सकता है। इट इज अप्लाइड ऑन ओपन एज वेल एज क्लोज सर्किट। ध्यान रहेगा किरचॉफ फर्स्ट लॉ ओपन और क्लोज दोनों सर्किट पे अप्लाई हो सकता है। और तीसरा पॉइंट आएगा किरचॉफ फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है। तो क्या बताओगे, इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और बेटा अलग अलग डायरेक्शन से करंट आ रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो एक तरह से ये पॉइंट क्या बन गया, जंक्शन बन गया। जैसे आप वो ट्रेन का जंक्शन बोलते हो कि अलग अलग डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है, अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, तो उसको जंक्शन बोलते हैं। सेम इसी तरह यहां अलग अलग डायरेक्शन से करंट आ रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, जंक्शन लॉ भी बोल देते हैं। फाइनल हो गया। तो आप चाहे किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलो या करंट लॉ बोलो या जंक्शन लॉ बोलो, तीन मेन पॉइंट आए कि एलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए पॉइंट इज जीरो, ये ओपन या क्लोज दोनों सर्किट पे अप्लाई हो सकता है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है। मतलब मेन पॉइंट क्या आया कि किसी भी पॉइंट पे जो टोटल मीटिंग करंट होगा वही उस पॉइंट का टोटल क्या होगा बेटा, लीविंग करंट होगा। फाइनल। और साइन कन्वेंशन में मीटिंग करंट पॉजिटिव होगा और लीविंग करंट क्या होगा, नेगेटिव। किरचॉफ फर्स्ट लॉ तो था आसान, जो मेन पॉइंट है वो हमने किरचॉफ सेकंड लॉ समझना है, क्योंकि इसी का यूज होना है आगे न्यूमेरिकल सोल्व करने में सब जगह। तो किरचॉफ सेकंड लॉ देखो बेटा, किरचॉफ सेकंड लॉ वोल्टेज के बारे में बताया गया है किरचॉफ सेकंड लॉ में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है। किरचॉफ सेकंड लॉ बोल दो या वोल्टेज लॉ बोल दो। अब देखिए इसमें मेन पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आता है एलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू एलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। मतलब एलजेब्रिक सम ईएमएफ का बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस, या इसको ये भी बोल देते हैं दैट इज एलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। जिस तरीके से आप लिखना चाहो वैसे बता सकते हो, दोनों ही चीजें सही हैं। एलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू एलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अब मेन पॉइंट क्या है बेटा, किरचॉफ सेकंड लॉ हमेशा हमेशा एक क्लोज सर्किट पे अप्लाई होगा, ओपन सर्किट पे अप्लाई हो ही नहीं सकता। तो ये ध्यान रखेंगे, इट इज अप्लाइड ऑन क्लोज सर्किट ओनली। ये किस पे अप्लाई होगा, क्लोज सर्किट पे अप्लाई होगा। क्लोज सर्किट इन द सेंस क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल मेंशन कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, ये इसके साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ये है और ये दूसरा सेल जुड़ा हुआ है और एक रेजिस्टेंस ये है, ये सर्किट पूरा क्लोज है। तो इस टाइप के क्लोज सर्किट पे ये अप्लाई हो सकता है। और इसका थर्ड पॉइंट क्या आएगा, इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किसको ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। तो देखिए अगर आप ये कहते हो ना कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को डिफरेंशिएट करो, तो ये तीन पॉइंट ऑफ डिफरेंस हैं जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में बताए जा सकते हैं।
अब मेन पॉइंट इसके आगे है। अब देखो जैसे हमने यहां पे एलजेब्रिक सम ऑफ करंट किया था तो हमने साइन कन्वेंशन अप्लाई किए थे करंट के कि कब करंट पॉजिटिव लिया जाएगा कब करंट नेगेटिव लिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहां पे साइन कन्वेंशन ले रहा हूं ईएमएफ के और करंट के, तो एलजेब्रिक सम ले रहा हूं ईएमएफ का और प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस, तो मैंने दोनों के साइन कन्वेंशन देने पड़ेंगे। तो यहां पे दो साइन कन्वेंशन आएंगे, एक तो आएंगे साइन कन्वेंशंस फॉर ईएमएफ, एक तो साइन कन्वेंशन किसके बारे में आएंगे ईएमएफ के बारे में आएंगे, और एक आएंगे आपके साइन कन्वेंशंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आरआई। आरआई मतलब क्या है, आर इज रेजिस्टेंस एंड आई इज द करंट। अब समझिए बहुत ध्यान से देखिए, जनरली आपके सेल में क्या होता है, एक बड़ी वाली लाइन होती है एक छोटी वाली लाइन, बड़ी लाइन इन द सेंस हाई पोटेंशियल, छोटी वाली लाइन इन द सेंस लो पोटेंशियल। तो अगर किसी सर्किट में चलते हुए आप किसी सर्किट में चलते हो और किसी सर्किट में चलते हुए अगर पहले पॉजिटिव प्लेट आ जाए फिर नेगेटिव प्लेट आए, तो आपने ध्यान रखना है उस सेल का ईएमएफ कैसा लेना है, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन क्या बताएंगे, इफ वी मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल देन ईएमएफ इज टेकन टू बी पॉजिटिव। और अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए कि पहले नेगेटिव प्लेट आए और फिर पॉजिटिव प्लेट आए, तो उस टाइम पे आप ध्यान रखोगे ईएमएफ इज टेकन टू बी नेगेटिव। ध्यान रहेगा दो मेन पॉइंट। अगर सपोज करो मैं पहले इसको मार्किंग कर लेते हैं, दैट इज ए बी सी डी ई और एफ, कर दी मार्किंग। अब समझिए अगर मैं ये कहता हूं कि इस सेल का ईएमएफ है ई वन, और अगर मैं ए से बी नोट करता हूं, ए से बी नोट करता हूं तो पहले पॉजिटिव प्लेट आएगी फिर नेगेटिव प्लेट आएगी, तो उस टाइम पे आपका ईएमएफ लिया जाएगा पॉजिटिव फाइनल। और अगर मैं बी टू ए आता हूं तो पहले नेगेटिव प्लेट आएगी फिर पॉजिटिव प्लेट आएगी, तो उस टाइम पे ईएमएफ क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा फाइनल। कि अगर हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो ईएमएफ इज टेकन टू बी पॉजिटिव, एंड इफ वी मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल देन ईएमएफ इज टेकन टू बी नेगेटिव। साइन कन्वेंशन आते हैं आरआई के। बेटा किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए रेजिस्टेंस है R और उसमें करंट फ्लो कर रहा है I फाइनल। अगर हम करंट की डायरेक्शन में ही चलेंगे तब तो आपका RI का प्रोडक्ट लिया जाएगा पॉजिटिव, क्लियर। अगर आप करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो आपका RI का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा। और अगर आप करंट से अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो आपका आरआई का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्लियर। इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट देन प्रोडक्ट ऑफ आरआई इज टेकन टू बी पॉजिटिव, एंड इफ वी मूव इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट देन प्रोडक्ट ऑफ आरआई इज टेकन टू बी नेगेटिव। अब एक बात समझ लीजिए बहुत ध्यान से, मान लीजिए इस सेल को हमने कहा ई वन, इस सेल का ईएमएफ बताया ई टू, इस रेजिस्टेंस को मैंने नाम दिया R1, इस रेजिस्टेंस को मैंने नाम दिया R2, और मान लीजिए इस रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया R3, क्लियर हो गया। कभी भी आपने ध्यान रखना है करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है और नेगेटिव टर्मिनल पे वापस पहुंचता है। मतलब अगर मैं यहां बात करूं तो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और वापस नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेगा। किसी भी सेल से जितना करंट एग्जिट होता है उतना ही करंट उस पे वापस पहुंचता है। अगर मान लीजिए इस सेल से निकलने वाले करंट को मैं आई वन बोलता हूं तो यहां पे वापस जो करंट पहुंचेगा वो भी क्या होगा, आई वन होगा। सेम मान लीजिए ये एक सेल ई टू है,
इससे करंट कहां से निकलेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल से वापस एंटर करेगा। इस सेल से निकलने वाले करंट को अगर मैं आई टू बोल दूं तो वापस भी कितना करंट पहुंचेगा? आई टू करंट पहुंचेगा वापस। क्लियर हो गया यहां तक? अब मैं यहां पे देखना दोनों लॉ अप्लाई करूंगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी और किरचॉफ सेकंड लॉ भी। तो देखना ऊपर से जो करंट आया वो क्या हो गया आई वन, नीचे से जो करंट आया वो क्या हो गया आई टू। तो इस पॉइंट पे टोटल मीटिंग करंट कितना हो गया आई वन प्लस आई टू। तो इस तरफ कितना करंट निकलेगा? इस तरफ करंट लिविंग होगा और लिविंग करंट किसके बराबर होगा? दोनों के सम के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, कि ऊपर से जो करंट आया वो आई वन, नीचे से जो करंट आया वो आई टू। तो इस रास्ते पे टोटल कितना करंट गया आई वन प्लस आई टू, और यहां जाके फिर सेपरेट हो जाएगा, ऊपर आई वन चला जाएगा और नीचे की तरफ क्या चला जाएगा आई टू चला जाएगा। क्लियर? अब मैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ का आ गया करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, अब मैं किरचॉफ सेकंड लॉ की बात करता हूं। मान लीजिए आप एक लूप लेते हैं, लूप ला बोल दीजिए, मैश ला बोल दीजिए, आपकी मर्जी है। लूप क्लोज लूप पे अप्लाई होता है इसलिए लूप ला भी बोल देते हैं या मैश ला भी बोल देते हैं। अब समझिए सबसे पहला पॉइंट, क्लोज लूप पे अप्लाई होना है। क्लोज लूप पे अप्लाई होना है इसका मतलब, मान लीजिए मैं ए से चलता हूं, ए बी सी एफ ए। क्लोज लूप का मतलब है मैं जहां से चलूं वापिस मैंने वहीं पहुंचना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ए से चलता हूं तो ए बी सी एफ ए वापिस आ गया, ए बी सी एफ ए जहां से चला मैं वापिस वहीं पहुंच गया। ये तो मतलब है क्लोज लूप, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, जरूरी नहीं है कि लूप ए से शुरू होगी, मैं लूप को कहीं से भी शुरू कर सकता हूं, जहां से दिल करे, ए से बी से सी से एफ से, जहां से आप चाहो वहां से शुरू कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, लूप क्लॉकवाइज जरूरी नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लूप ए बी सी एफ ए बनाई थी तो मैं लूप ये भी बना सकता था ए एफ सी बी ए, जरूरी नहीं थी मैं ए से शुरू करता, मैं बी से भी शुरू कर सकता था बी ए बी ए एफ सी बी। बस मेन पॉइंट क्या है, लूप क्लोज होनी चाहिए। क्लोज का मतलब जहां से चले वापिस वहीं पे पहुंचनी चाहिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि लूप क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी, ए से शुरू होगी बी से शुरू होगी, किसी भी पॉइंट से शुरू हो सकती है। तो चलो हम इस लूप पहली बात तो लूप क्लोज हो गई, इस लूप पे हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो समझना बहुत ध्यान से, हमने कहां से चलना है बेटा, ए से बी की तरफ चलना है। अब दो बातें ध्यान रखेंगे, जहां सेल आएगा वहां हमने ईएमएफ नोट करना है, और जहां पे रेजिस्टेंस आएगा वहां मैंने रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट नोट करना है, बाकी जगह कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। तो देखना ए से बी पे चले बेटा, ए से बी की तरफ जाएंगे, ए से बी की तरफ गए तो सबसे पहले क्या आया सेल, और देखना सेल की पॉजिटिव प्लेट पहले आएगी तो ईएमएफ पॉजिटिव, और इसलिए क्या लिखा जाएगा ई वन इज टेकन टू बी पॉजिटिव, फाइनल। क्यों लिखा गया पॉजिटिव, आ गया समझ में। अब उसके बाद आगे समझिए, आगे चला गया रेजिस्टेंस आया आर वन, यहां करंट कितना है आई वन, तो प्रोडक्ट कितना आ गया, प्रोडक्ट आ गया आर वन आई वन। बट बेटा दिस प्रोडक्ट इज टेकन टू बी नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, क्योंकि करंट आ रहा है इधर और हम जा रहे हैं करंट से अपोजिट, करंट से अपोजिट अगर हम जाएंगे तो आर आई का प्रोडक्ट क्या लिया जाएगा नेगेटिव लिया जाएगा। फिर बेटा बी पे पहुंच गए, आगे बी से सी पे चलना है, बी से सी पे ना कोई रेजिस्टेंस है ना कोई सेल है तो कुछ नोट नहीं करना है। फिर बेटा सी से एफ पे चलना है, सी से एफ पे चलना है तो देखना रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेंगे, तो देखना रेजिस्टेंस क्या है आर थ्री और करंट क्या है आई वन प्लस आई टू, प्रोडक्ट आ गया बेटा करंट का, और करंट इधर जा रहा है हम करंट से अपोजिट जा रहे हैं इसलिए क्या लिया जाएगा माइनस, और फिर कहां पहुंच गए एफ पे, और बेटा एफ से वापिस ए पे कुछ भी नहीं है एंड दैट इज इक्वल टू जीरो, फाइनल। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई जो हमने लूप ली, लूप क्लोज लेनी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी ले सकते हैं,
किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। दो मेन पॉइंट हैं कि पहले अगर सेल की पॉजिटिव प्लेट आएगी तो ईएमएफ पॉजिटिव, पहले नेगेटिव प्लेट आ गई तो ईएमएफ नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन में चले तो आरआई का प्रोडक्ट पॉजिटिव, करंट से अपोजिट डायरेक्शन में चले तो आरआई का प्रोडक्ट नेगेटिव। क्लियर हो गया। एक और देख लीजिए, मान लीजिए मैं एक और लूप अप्लाई करके देखते हैं, एक और लूप कोई भी ले सकते हैं, ये एफ से ले लें, सी से ले लें, चाहे एफ से लो चाहे सी से लो कोई फर्क नहीं पड़ना। ये लूप हमने क्लॉकवाइज ली थी, चलो अब एंटी क्लॉकवाइज ले लो एक लूप, तो कौन सी ले लेते हैं, सी एफ ई डी सी। देखना लूप कौन सी ली, सी एफ ई डी सी, ई डी सी लूप क्लोज हो गई, सी से शुरू और सी पे ही खत्म हो गई लूप क्लोज। चलें तो बस दो जगह नोट करना होता है, जहां सेल आए वहां ईएमएफ नोट करना होता है, जहां पे रेजिस्टेंस आए वहां रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट नोट करना होता है। तो देखना सी से एफ पे गए, रेजिस्टेंस आर थ्री, करंट आई वन आई टू, तो देखना प्रोडक्ट क्या आएगा, आर थ्री इंटू आई वन प्लस आई टू, एंड दैट इज टेकन टू बी पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव लेंगे ना बेटा, क्यों, क्योंकि हम करंट से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, क्या एफ से ई पे कुछ नोट करूं, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ना यहां पे रेजिस्टेंस है ना सेल है। फिर ई से कहां जाना है, डी पे, बेटा ई से डी पे गए तो पहले सेल की पॉजिटिव प्लेट आई, पॉजिटिव प्लेट आई तो ई टू इज टेकन टू बी पॉजिटिव। फिर आगे रेजिस्टेंस आर टू आया, करंट आई टू आया, तो प्रोडक्ट क्या आ गया, आर टू आई टू, और हम करंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन नंबर टू बन गई। क्लियर। अब अगर मान लीजिए मैं कहता हूं पूरी कंपाइल लूप पे अप्लाई करेंगे, पूरी कंपाइल लूप मतलब ए बी सी ई एफ, तो देखना मैं एक कंप्लीट लूप लेता हूं ए बी सी डी ई एफ ए, बस लूप क्लोज होनी चाहिए ए बी सी डी ई एफ ए, हो गई क्लोज लूप, ए से शुरू और ए पे ही खत्म। अब क्लोज लूप पे अप्लाई करना है तो देखना बेटा कहां से चलेंगे, ए से बी की तरफ चलेंगे, चलो तो ए से बी की तरफ चलते हैं। ए से बी की तरफ चले तो पहले सेल ई वन आया और मेरे हिसाब से ई वन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि पहले सेल की पॉजिटिव प्लेट आई। आगे देखना प्रोडक्ट रेजिस्टेंस आ गया, करंट आई वन है तो प्रोडक्ट क्या आएगा, आर वन आई वन और टेकन टू बी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव लेना है, क्योंकि हम करंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहां पहुंच गए बेटा, बी पे, बी से सी पे जाना है, बी से सी पे ना सेल है ना रेजिस्टेंस है तो कुछ नोट नहीं करना है, सी से डी पे जाना है, सी से डी पे ना कोई सेल है ना कोई रेजिस्टेंस है, कुछ नोट नहीं करना है। फिर डी से ई पे जाना है, डी से ई पे गए तो सबसे पहले आया रेजिस्टेंस आर टू, उसमें करंट है आई टू, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, आर टू आई टू बट टेकन टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। फिर बेटा आगे आया सेल E2 और सेल E2 की नेगेटिव प्लेट आ गई पहले, तो E2 इज टेकन टू बी नेगेटिव। कहां पहुंच गए, E पे पहुंच गए, E से कहां जाना है, F पे, कुछ नहीं नोट करना है, F से वापस कहां पे जाना है, A पे, लूप कंप्लीट हो गई और दैट इज इक्वल टू जीरो, और ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन नंबर थ्री। तो इस तरह से आप लूप अप्लाई कर सकते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ से। बेटा सुन लो, दो तरह के मेन पॉइंट आते हैं। सबसे पहली बात तो नॉर्मल पूछ सकता है, डिफरेंशिएट किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन में आप तीन पॉइंट बता सकते हैं कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो, इट इज अप्लाइड ऑन ओपन एज वेल एज क्लोज सर्किट, एंड इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेकिन आप किरचॉफ सेकंड लॉ की बात करेंगे तो चाहे तो ये बताओ कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, या फिर एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। और ये हमेशा हमेशा किस पे अप्लाई होता है, क्लोज सर्किट पे अप्लाई होता है, और ये किसको शो करता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। साइन कन्वेंशन, मीटिंग करंट पॉजिटिव, लिविंग करंट नेगेटिव। यहां पे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ गए तो ईएमएफ पॉजिटिव, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ गए तो ईएमएफ नेगेटिव।
करंट की डायरेक्शन में गए तो आर आई का प्रोडक्ट पॉजिटिव, करंट से अपोजिट डायरेक्शन में गए तो आर आई का प्रोडक्ट नेगेटिव। यहां पे एक थोड़ा सा पॉइंट है जो आपने ध्यान रखना है, वो पॉइंट क्या है, ये साइन कन्वेंशन कई बुक्स में जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट इन द सेंस, अगर इस साइन कन्वेंशन को आप अपोजिट करते हो तो इसको भी अपोजिट करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट वाले ईएमएफ को नेगेटिव लिख दिया तो करंट की डायरेक्शन में चलने वाले रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को भी क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई इक्वेशन बनी, उस इक्वेशन में से अगर आप पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लो तो साइन कन्वेंशन तो अपने आप अपोजिट हो गए। तो अगर आप इस साइन कन्वेंशन को चेंज करते हो तो आपने ये भी चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनमें ये साइन कन्वेंशन अपोजिट लिए हुए हैं, इसी ईएमएफ को नेगेटिव लिया है, इसको पॉजिटिव लिया है। अगर ईएमएफ उल्टा कर रखा होगा तो श्योर है करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का केस भी पॉजिटिव और नेगेटिव वाला क्या किया होगा, अपोजिट किया होगा। फाइनल, अब बेटा आगे बहुत सारे टॉपिक्स चलेंगे, वो इसी किरचॉफ सेकंड लॉ पे चलेंगे कि आपको लूप लेनी आए, आपको अप्लाई करना आए। अब समझिए जरूरत कैसे थी, क्या अप्लाई करना था। ये अगर इस सर्किट में मैं कहता हूं मैंने दो करंट निकालने हैं I1 और I2, जैसे सपोज करो मैं सेल की वोल्टेज दे दूं, मैं रेजिस्टेंस दे दूं, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दूं, मतलब मान लीजिए मैं तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड करता हूं, R1 की, R2 की, R3 की, मैं दोनों सेल का EMF प्रोवाइड करता हूं E1 और E2, और उसके बाद मैं कहता हूं फाइंड आउट द करंट ऑफ ईच सेल, हर एक सेल का करंट निकालो। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, पहले सेल से निकलने वाले करंट को I1 अज्यूम करोगे, दूसरे सेल से निकलने वाले करंट को I2 अज्यूम करोगे। अब बेटा दो अननोन करंट हैं तो आपको दो इक्वेशंस चाहिए होंगी, जैसे आप 9th-10th में सॉल्व करते थे एक्स और वाई के लिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो दो इक्वेशंस चाहिए थी और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। वैसे ही यहां पे दो अननोन करंट हैं I1 और I2, तो आपने दो लूप लेनी पड़ेंगी, दो लूप से दो इक्वेशन बनेंगी R1 और I1 की टर्म्स में, I1 और I2 की टर्म्स में, और दोनों इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो I1 और I2 की वैल्यू निकल जाएगी। अगर किसी लूप में तीन अननोन करंट हैं तो हमें वहां पे तीन इक्वेशन लेनी पड़ेंगी, और जैसे तीन लूप से तीन इक्वेशन बनेंगी, और जैसे तीन इक्वेशन सोल्व होती थी एक्स वाई और जेड की, सेम उसी तरह चलती रहेंगी। ज्यादा बेटर आएगा जब हम एक दो इस पे न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उन न्यूमेरिकल्स के बेस पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रहेगा कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं और किरचॉफ सेकंड लॉ बेसिकली कैसे अप्लाई किया जा सकता है किसी क्लोज सर्किट पे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू।